और अब आगे बढ़ते हुए खबर गुजरात चुनाव में बचे दंगल से जुड़ी हुई। गुजरात में चुनाव है, माहौल पूरी तरह से सियासी है, गर्म है। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके वादे हैं और अपनी अपनी रणनीति पर सब काम कर रहे हैं। ऐसी बीच एक और रणनीति है जो है जनता की। जनता के दिल में क्या है? सूरत की तापी विधानसभा से नफ्स टटोलने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। ये रिपोर्ट आप देखिए, गुजरात के मूड को समझिए। टीम ने आज रोज तापी जिले की निझर विधानसभा क्षेत्र का आज प्रवास है। इंडिया न्यूज की टीम निझर विधानसभा क्षेत्र के जो मतदार है उनके साथ सीधा बात करेंगे। हाल चुनाव आ रहे हैं, कैसी सरकार चाहते हो आप? हम ऐसी सरकार चाहते हैं कि जो गरीब और जो मध्यम वर्ग की जो परिस्थिति है उपस्थित में वो लोगों का काम होना चाहिए और जो आने वाले समय में जो मुद्दा आम जनता का बहुत बड़ा ये है मोहगवारी का, इसीलिए यहाँ सरकार बदलनी चाहिए, ऐसा हमारा एक मुद्दा है। जी एक भाई साहब जुड़े थे, वो बोल रहे हैं कि हाल जो यहाँ की प्रॉब्लम है वो को सुनना चाहिए, हाल सरकार का परिवर्तन भी अपेक्षा रख रहे हैं। तो अपने साथ दूसरे एक भाई जुड़े हैं, हाल गुजरात में जो सरकार है कैसी रही उसका कार्यकाल? सौ प्रथम तो अपना न्यूज चैनल मार्फते निझर विधानसभा हिंदी निझर विधानसभा के सभी भाइयों को और पूरे लोगों को हमारी तरफ से ये नए वर्ष की शुभेच्छा। और मैं बात आपने जो पूछा हमको कि ये सरकार कैसी चल रही, गुजरात की सरकार जो है सौ नौ सात सौ नौ विकास सौ का प्रयास ये करके मोदी साहब की सरकार बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अभी अभी हमारे जेडपी के विधायक जेडपी के अध्यक्ष उन्होंने पूरे तहसील में दस करोड़ का काम जो रास्ता पुल वो सब उद्घाटन किया है। ऐसी इस तरह से बहुत बढ़िया काम चल रहा है और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार आई है हम सोच रहे। जी हमारे साथ महेंद्र भाई जुड़े थे जो यहाँ के अग्रणी में बोल रहे हैं कि यहाँ के 10 करोड़ से ज़्यादा जो विकास लक्षी कार्य है उसका हुआ है, जो रोड बोलते हैं रोड का काम हो रहा है और दूसरे विकास लक्षी काम का हो रहा है। इधर यहाँ आने जाने की दिक्कत हो रही है रोड पे? रोड पे तो आने जाने की दिक्कत हो ही रही है, साथों साथ जो अभी खेड़ों की हालत अभी भाई ने बोला कि बहुत अच्छा करोड़ों का काम मुहूर्त किया, लेकिन आज इतनी खराब पोजीशन है खेडूतों की कि जो पूछना चाहिए। खेडूत आज हाल के बेहाल है खेडूतों का, जहाँ खेती में उत्पादन में बहुत घटा आ रही है, भाव का प्रॉब्लम हो। दूसरी बात खेडूतों के लिए जो बी बियारण है जो उसका जो खत है खतर है, इसकी मोहगवारी इतनी बढ़ गई है कि जितना पूछो इतनी मोहगवारी है। यहाँ पे देखने जाए तो निझर विधानसभा में 2017 में कांग्रेस के एमएलए आए थे सुनील गामित, तो हम जानने का प्रयत्न करके सुनील भाई गामित का 5 साल का कार्यक्षेत्र कैसा रहा सुनील भाई गामित का कार्यक्षेत्र? वैसे तो सुनील भाई जो है हमारे विधायक है, पंचायत समिति के अध्यक्ष है, पर उन्होंने उनका फोकस सिर्फ उच्छल में सीमित रखा है, न सोनगढ़ तालुका है, न कुकरमुंडा तालुका, न निझर तालुका। इस तरह से सुनील भाई का जो कार्यक्षेत्र सीमित हो गया है और उन्होंने जो विकास करना चाहिए वो हमारे यहाँ के पिछड़े गरीब आदिवासी लोगों का कोई विकास हुआ नहीं है। आपने देखा कि बोल रहे हैं कि सुनील भाई गामित जो है वो उच्छल से प्रॉपर आते हैं, उच्छल से ज़्यादातर उनका वहाँ लगाव रहा है, इधर सुनील भाई गामित का आना कम हुआ। आप वापस जानने का प्रयत्न करें कि सुनील भाई धारासभ्य का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? सुनील भाई का 5 साल का कार्यक्रम में उसने वो सिंचाई योजना है ना वो भी लाया, हमारा तालुका पंचायत में भी नहीं है सरकार और जिले में भी नहीं है, फिर भी हमने जो कहा सुनील भाई को काम किया है। तो सुनील भाई सबको साथ लेके चलने वाला विधायक है, तो सुनील भाई अच्छा है हमारे लिए। तो सुनील भाई के जो धारासभ्य है आज तो कोई धारासभ्य कोई काम नहीं कर सका, ऐसा सुनील भाई ने क्या काम किया अभी तक? सुनील भाई ने रोड का काम किया, सुनील भाई ने पानी का काम किया, पुल का काम किया, ऐसा ना हमारी सरकार ना होने से भी उसने हमारे एरिया में काम किया है। सरकार भाजपा की है, धारासभ्य कांग्रेस के है, तो अभी वापस जाना प्रयत्न करेंगे कि सुनील भाई धारासभ्य से 5 साल से सुनील भाई की कामगिरी कैसी रही? सुनील भाई धारासभ्य है कांग्रेस के, कामगिरी कैसी रही सुनील भाई की? सुनील भाई हमारे विस्तार में आए भी नहीं है, वो कांग्रेस से थे एमएलए, लेकिन जो बीजेपी की कमी थी एमएलए
वो इस साल चुनाव में हम लाने वाले हैं। तो इस साल आप कांग्रेस के धारासभ्य परिवर्तन चाहते हो यहाँ की सीट में? हाँ, यहाँ के सीट में, और 100% जीतने वाले बीजेपी से। जी, आपने देखा कि सुनील भाई धारा से भी है, यहाँ के जो मतदार है वो बोल रहे हैं कि यहाँ से परिवर्तन चाहते, तो अपने साथ कितने लोग जुड़े? यहाँ किसान की संख्या ज़्यादा है, किसान लक्ष्य सरकार की जो योजना है उससे आप संतुष्टि हो? किसान बहुत, यहाँ किसान को बहुत परेशानी है, किसान को पूरे दाम नहीं मिलते, और खत और सब उसका, बिजली का और महंगाई बहुत है, इसके लिए यह सरकार परिवर्तन चाहिए अभी। पर केंद्र और राज्य सरकार की अनेक ऐसी योजना है जो किसान लक्ष्य है, उसका लाभ नहीं मिलता इधर? नहीं, इधर बहुत सकम, क्योंकि अभी पूरे जो बारिश हुआ उसी में भी जो हुआ था उसी में कोई मुआवजा नहीं मिला खेडूत को, और बहुत परिस्थिति, कठिन परिस्थिति है यहाँ। आप देख रहे कि किसान भाई जुड़े थे, और यहाँ का जो निजर विधानसभा क्षेत्र में सोंगढ़ में उकाई डैम है, वहाँ पे उकाई डैम जब स्थापित हुआ वहाँ पे कई लोगों को विस्थापित किया गया था। विस्थापित लोगों का कितने सालों से जो मांग थी कि जो नई शरत की दी हुई जमीन है उसको जूनी शरत में करना चाहिए, तब यहाँ की मांग पूरी हुई, तब बोल रहे कि किसान लक्ष्य कुछ कार्य नहीं हुआ, तो अपने साथ किसान आगेवन भी जुड़े हैं। जी, किसान लक्ष्य सरकार कुछ काम नहीं करे ऐसे बोल रहे, किसान लक्ष्य कुछ फायदा नहीं हो रहा ऐसे बोल रहे, क्या कहोगे? देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री ने किसान पीएम योजना दी है, हर किसान को हर साल में 3 किस्तें में 6,000 रुपये दिया गया है। यहाँ पे इतने गरीब किसान है, इतने छोटे किसान है कि उनके कोई कोई जगह पे तो एक एकड़ जमीन में 12 नाम है, एक एकड़ में उनको 24,000 रुपये मिल रहे, और उसके बाद पूरे निजर तहसील निजर विधानसभा में गुजरात सरकार ने हमारे यशस्वी अध्यक्ष जो जयराम भाई गामित की वजह से पूरे 1,003 करोड़ की सिंचाई योजना का लाभ मिल रहा है खेडूतों के। पहले स्टेप में 200 करोड़ का एक LI का प्रोजेक्ट चालू हो गया है, इसके आगे भी चालू हुआ था। इसके बाद आप जो बता रहे हैं कि जो वर्षों से 60 साल से यहाँ के खेडूत, यहाँ के जो किसान थे या गांव के लोग थे, उनको जो नई जूनी शरत की जमीन थी, उनके जो प्लॉट थे उन पर लोन नहीं मिल रहा था, उन पर कोई चीज़ नहीं हो रही थी, उसको वारसाई नहीं हो रही थी, तो उसके लिए तत्कालीन अभी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने अर्जेंट निर्णय लेके सभी खेडूतों को उसका प्लॉट और सब वापस दे दिया है, सबको बिना शर्तें नई जूनी शरत में कर दिया गया है। इस तरह से यहाँ के खेडूत बहुत खुश में है, सुखी है। और रही बात कि पिछले 4 साल के आगे आप जो देख रहे हो, 14 के आगे जो कपास का भाव था वो 4,000 रुपये था, आज 12,000 से छू के 8,000, 9,000, 10,000 तक है। इस तरह से खेडूत के लिए बहुत बड़ी सरकार है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। जी, हमारे साथ महेंद्र भाई जुड़े थे, महेंद्र भाई बोल रहे कि खेडूत के लिए सरकार बहुत बढ़िया है। भाई बता रहे कि खेडूत के लिए सरकार बहुत बढ़िया, क्या कहोगे? भाई ने, मेरे भाई ने बोला कि किसानों के लिए 6,000 रुपये किस्त दे रही है। मेरा कहना है कि 6,000 किस्त दे के उस पर खेडूतों के पास में 60,000 रुपये वसूल कर रहे वार्षिक, उसका मतलब है कि जहाँ टैक्स लगा रही है, जहाँ भी देखो वहाँ टैक्स, जहाँ भी देखो वहाँ GST लगा रही है, वो 6,000 दे के 60,000 रुपये खेडूतों के पास में वसूल करे। दूसरी बात रही कि हमारे MLA विरोध पक्ष में बैठे, फिर भी 8 दिन में MLA हमारे निजर में तहसील में आते हैं, इनका MP 5 बरस हो गया, एक बात पूछो कहीं तालुका में एक हाथ बार आया क्या, किसका काम किया क्या MP? इनकी सरकार 27 बरस से गुजरात में सरकार है BJP की, केंद्र में इनकी सरकार है, फिर भी इनका MP कोई निजर तालुके में आया, कब आया इनको वो बता दे, उनका काम बता दे, क्योंकि इनकी सरकार है अभी तो फिलहाल। अभी तो विधानसभा का चुनाव है, फिर भी बता रहे हैं कि यहाँ के MP यहाँ का डोरा नहीं करते। MP लास्ट टाइम कब आए थे इधर? हमारे MP प्रभु भाई वसावा जी यहाँ पे मंथली 15 दिन में एक बार विजिट तो करते ही हैं, सभी जगह पे वो विजिट करते हैं, क्या काम चल रहा है, क्या उनकी ज़रूरत है, वो सब वो ध्यान रखते हैं। और सुनील भाई की बात है तो वो शायद मैं भी 2 से 3 बार ही उनसे मिली हूँ, वो भी हम भी मिले हैं, तो लोगों का तो मुझे पता ही नहीं कि वो मिले कि नहीं मिले, उनको पता भी है कि कौन है। जी, आपने देखा कि प्रति आपसे का जो दौर है अभी चालू है, और एक बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे एजुकेशन का लेवल कैसा है, यहाँ पे एजुकेशन का लेवल कैसा है? यहाँ एजुकेशन का लेवल बहुत निचले स्तर पर है, क्योंकि पूरी जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल थी वो प्राइवेटकरण हो गया, इसके लिए जो गरीब आदमी वो लड़कों को पढ़ा नहीं पाता, और यहाँ कोई इधर कोई ऐसी सुविधा नहीं है, मेडिकल कॉलेज या ऐसा कोई नहीं है,
यहाँ से जो उच्च शिक्षण लेने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा 100 किलोमीटर आगे, इसके लिए यहाँ बहुत खराब परिस्थिति है। यहाँ भाई साहब ने बताया कि एजुकेशन लेवल बहुत डाउन है, हम जानने का प्रयास, एजुकेशन लेवल यहाँ बहुत डाउन है, क्या कहोगे? एजुकेशन की बात करने के डाउन का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि सब जानते हैं कि अपने शिक्षण और आरोग्य वो अपना प्रथम तबक्का है। एजुकेशन में भी अभी सभी शिक्षक भी नई भर्ती हुई है और स्टूडेंट को यूनिफॉर्म से लेके उनके खाने पीने का मध्यान्ह भोजन सबका ख्याल रखते हैं। सूरत के तापी से इंडिया न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट।